ए ए ए ए उसके गेज में क्या कंफर्टेबल ही हो गई। ऐसे देखो चारों पैर फैला लिए इसने हवा में। व्हाइट फर बॉल जैसा लग रहा है ये, बहुत ही प्यारा। सो ये देखो ये सारे के सारे मस्तीखोर बेड पे चढ़ गए। Hey, yo, what's up everybody? क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है वो मज़ेदार और शानदार होने, क्योंकि बहुत टाइम से जो मुझे लोग हैं कमेंट कर रहे थे कि भाई आपने कोई टॉय बॉम्ब के ऊपर व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि आज स्पेशली मैं बठिंडा जा रहा हूँ पंजाब में आप सभी के लिए एक मस्त सा व्लॉग बनाने। और यार अभी सोकर उठे हैं तो अभी चेंज करेंगे, बढ़िया सा फ्रेश होंगे। और साथ साथ यार आपको पता है जैसे कि मैं जो अपने बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ यार, और देना भी चाहिए ठीक है बालों के ऊपर ध्यान, तो बालों की केयर के लिए जो आपको पता है मैं रेगुलरली ऑयलिंग भी करता हूँ, रेगुलरली जो है हेड वॉश भी करता हूँ। तो यार उसके लिए जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ वाओ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू और एप्पल साइडर विनेगर हेयर मास्क। तो उसके जो है मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि उन आप सभी के साथ भी उसको शेयर किया जाए। तो मैं जो है आपको अभी अपना हेयर केयर रूटीन दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे कि आपको पता है हम जो है अपने बालों पे बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं, और साथ ही साथ जो है बाहर जब भी हम पोल्यूशन में जाते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो उसको हील करने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये वाओ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इससे अपना हेड वॉश करता हूँ। उसके बाद जो है मैं यूज कर रहा हूँ ये वाओ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर हेयर मास्क। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको आपको लेके जो है अपने डीप रूट्स में जो है अच्छे से मसाज करना है। इसको सिर पे अच्छे से लगाने के बाद जो है आप इसको थोड़ी देर छोड़ दो, उसके बाद जो है कोल्ड रनिंग वाटर से अगर आप हेड वॉश कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएंगे। और आप जो है इस हेयर मास्क को जो है वीकली एक या दो बार आप इसको यूज कर सकते हैं। गाइस मेरे को तो बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के। और अगर मैं बात करूं एप्पल साइडर विनेगर का, आपको पता है कि एप्पल साइडर विनेगर के तो कितने ही फायदे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा रेगुलरली यूज करता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि ये जो है बिल्कुल ही एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ है, और कोई भी टाइप की एनिमल टेस्टिंग ये नहीं करते, और साथ ही साथ दे आर ट्रूली मेड इन इंडिया। और अगर मैं बात करूँ शैम्पू की, तो शैम्पू इज मेड अप ऑफ 93% ऑफ नेचुरल ingredients, and जो ये hair mask है that is made up of 93.2% of natural ingredient, और ये जो है किसी भी type का harmful chemical जो है इन products के अंदर use नहीं करते। और साथ ही साथ apple cider vinegar के तो आपको मैंने पहले भी फायदे बताए, और सोचो अगर ये बालों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा apple cider vinegar हमारे। और जैसे कि वाओ की प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी देखने के लिए आप जो है यहाँ पर इनके दिए गए QR कोड को जो आप स्कैन कर सकते हैं, उससे जो है आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। और आप जो है प्रोडक्ट्स ऑर्डर जो है वाओ का ऑफिशियल ऐप से भी कर सकते हैं, उसका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और जहाँ जहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हुए हैं। और हाँ, फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू कैन यूज माई कोड Pulkit20। सो फिलहाल अभी तैयार हो चुके हैं और अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी बठिंडा के लिए। सो अभी जाकर वहां पर आपको मैं मिलता हूँ। A few moments later. फिलहाल अभी मैं पहुंच गया हूँ बठिंडा के अंदर ब्लू स्टार कैंकर के पाजी का, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हमारे रिंकू पाजी और लकी पाजी, कैसे हो पाजी? सो मेरी कल रात ही पाजी से बात हुई थी यार, मैं ना बहुत टाइम से कुछ टॉय पॉम के ऊपर कवर करने की सोच रहा था, और फिर मेरे को जसकीरत पाजी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर पाजी के पास हो, और मैं असकीरत में बहुत बढ़िया जगह पहुँच चुका हूँ। अभी फिलहाल क्या है पाजी के ना अलग जगह पर सेटअप है, तो गर्मी के कारण मैंने क्या कहा पाजी को, पाजी आप सारे डॉग्स जो है घर पर ही ले आइए, तो अभी हम घर पर ही सारा पाजी के यहाँ पर ब्लॉग कवर कर रहे हैं। तो पाजी बड़े बड़े केजेस का पाजी ने अरेंज किया ताकि डॉग्स और हम भी अच्छे से कवर कर पाए। तो पाजी ये सारी फीमेल्स हैं? यस फीमेल हैं। अगर पाजी मैं स्टार्ट बात करूँ, आपने डॉग स्पेशली अगर हम कहें कि इन्होंने रखना कब से शुरू किया था? 2001 से। क्या बात है, 2001 से हमने काम स्टार्ट किया, 20 साल से हम पाल रहे हैं, अब भी आज भी हम 20 साल से। क्या बात है। तो अभी फिलहाल पाजी, पहले पाजी ने अमेरिकन बुली भी यू नो स्टार्ट रखा था ब्रीड करना, बट अभी फिलहाल पाजी टॉय पॉम के अंदर काम कर रहे हैं। पाजी स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ टॉय पॉम और कल्चर पॉम और पोमेरियन, तीन अलग अलग ब्रीड, अलग अलग ब्रीड है बिल्कुल है। बट क्या होता है ना आजकल अगर हम बाहर कहीं देखें तो लोग पोमेरियन को भी टॉय पॉम कह के बेच देते हैं, और कल्चर को तो टॉय पॉम कह के बेच ही देते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है, देखो ठीक है डॉग डॉग है, चाहे वो स्ट्रीट डॉग है चाहे वो ब्रीड वाला डॉग है, बट ये क्या होता है ना जब प्यार पड़ जाता है फिर उसके बाद क्या होता है ना, एक बंदे के साथ अब एक बंदे से एक लाख रुपए को चार्ज कर रहे हैं, ठीक कुछ भी एक लाख रुपए किसी बड़े ब्रांड की चीज का चार्ज कर रहा है, उसके बाद उसको वो नकली दे देता है, तो वो कैब उसको पहननी तो पड़ेगी। अब वो उसने चीज खरीद लिया तो वो पाएगा तो है वो बेचारा, बट वही है कि दिल से नहीं पा पाएगा, पूरी जिंदगी उसके मन में एक चीज रह जाएगी, वो चीज बहुत गलत लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं टॉय पॉम का एक्चुअल स्टैंडर्ड बताऊं कि टॉय पॉम एक्चुअल स्टैंडर्ड ब्रीड है क्या। ये हमारा जो है ये तो कल्चर, अच्छा ये सारा कल्चर पॉम, कल्चर पॉम है, क्योंकि जो है अभी कोई हाई ब्रीड पैसे नहीं लगा सकता, जैसे वो 50 या 60 हजार के, ये कल्चर बच्चा हम कोई 15 या 20 हजार में सेल करते हैं, ये कल्चर है जो कल्चर बोल के देंगे। अगर मैं बात करूँ की
यही है कि डॉग लव में फर्क नहीं पड़ता, बट वही चीज है कि कोई लोग जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ना, और वो चीज गलत है, ठीक है। सो अगर भाई मैं बात करूँ तो कल्चर पॉम एग्जैक्ट में टॉय पॉम और कल्चर पॉम में फर्क क्या है? सो अभी जैसे पाजी कल्चर पॉम दिखा रहे हैं, तो पाजी इसमें क्या फर्क है? जैसे हम टॉय ब्रीड की बात करें, कोई टॉय पॉम भी उठा लीजिए पाजी, एक ना मैं आपको हाथों हाथ एक थोड़ा सा फर्क दिखाई भी दूंगा, और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं यार, इतने ज्यादा क्यूट है, चाहे वो कल्चर है चाहे वो टॉम, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है इन बच्चों में, और मेरा दिल कर रहा है मैं सभी को घर ले जाऊं। Here for difference we have two dogs. ये बहुत ही प्यारा सा टॉय पॉम है, और ये बहुत ही प्यारा सा कल्चर पॉम है। ओके, तो ये देख सकते हो पहले तो यार इनके कानों से ही भैया बता रहे थे ना, ये कानों से फर्क, ईयर बड़े होते हैं, मजल बड़ा होता है, ठीक है, इसका मजल बिल्कुल छोटा है, ईयर नहीं होते, और इनका हाइट बिल्कुल छोटी होती है, और इनका हेयर थोड़ा सा समर कोट होता है, इनका थोड़ा सा कोट बढ़। ओके, तो बस वही चीज मेन फर्क क्या था, एक हाइट का भी लोग कहता है, एक पप्पी के टाइम तो आपको कोई अंदाजा लग ही नहीं सकता, सभी कल्चर और टॉय सेम ही लगते हैं। वाह क्या बात है, तो अभी मैं आपको ना एक एक करके थोड़े से कल्चर पॉम ही बाहर निकालते हैं, पहले हम कल्चर पॉम सबसे मिलवाते हैं, फिर मैं आपको टॉय पॉम से मिलवाऊंगा। सो ये सारे के सारे जो है हमने अभी बच्चे बाहर निकाले हैं, सारी की सारी प्यारी 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 फीमेल्स हैं। तो पाजी अगर मैं बात करूं, आप एक फीमेल से एक साल के अंदर कितने पप्पीज लेते हैं? एक लीटर, वन लीटर। और ये इनके पप्पीज भी मेरे ख्याल से सिर्फ एक या दो ही होते हैं? दो या थ्री पप्पी होते हैं, वो भी मतलब उनको भी बचाना बहुत बहुत ही टफ जॉब है, और ऐसे नहीं है कि मैंने खुद भी अभी पाजी से पहले डिस्कस कर रहा था कि ये नहीं होता कि ब्रीडिंग जो है फीमेल की कभी भी करवा दी, एक प्रॉपर टाइम के हिसाब से, और ये भी कैसे रजिस्टर्ड भी होते हैं केसीआई के साथ, अलग अलग कैनल क्लब के साथ जो है ये रजिस्टर्ड भी होते हैं डॉग्स, इनका स्टैंडर्ड भी होता है, पाजी डॉग शोज में भी अपने डॉग को लेके जाते हैं। सो अभी फिलहाल जो है ये सारे के सारे अंदर देखो कितने सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैं एक एक करके आप सभी से मिलवाऊंगा इनको, मैं थोड़ी देर से इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, और मैं इनमें से अपने दो बहुत ज़्यादा मतलब प्यारे सारे हैं जो मेरे दो फेवरेट हैं उनसे भी मिलवाऊंगा। सो पाजी ये सारे टॉय पॉम हैं? हाँ, ये सारे टॉय पॉम सारे। तो टॉय पॉम ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया आप दोनों को ब्रीड करते हुए? कोई थ्री ईयर के करीब हो गया। थ्री ईयर और आपने इंपोर्ट्स भी करवाए हैं? इंपोर्ट करवाया अभी चाइना से, एक इंपोर्ट करवा लिया, दो फीमेल एक मेल अभी आना है, वो कोरोना करके वहीं पे। क्या बात है, हाँ। तो वहाँ पे भी मतलब बढ़िया कैनल सेटअप्स हैं जहाँ से आप मंगवाते हैं, तो उनको शोज भी करेंगे इन फ्यूचर आप? शो शो हम करेंगे इस बार। क्या बात है यार, शोज भी जल्दी होपफुली केसीआई या जो भी रजिस्टर्ड शोज होते हैं वो भी शुरू हो जाए, मैं यही चाहूंगा। और अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में हम आपको मेरा फेवरेट डॉग दिखाएंगे, तो अभी बाजी इसको बाहर निकालते हैं, ये अग्रेसिव तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। पाजी के साथ आ गया प्यार से, देखो कितना छोटा है, ये 5 मंथ का है। अच्छा, ये 5 मंथ का है सिर्फ? हां जी, बहुत छोटू सा है, 5 मंथ है इसका, मंकी कोट है। अच्छा क्या बात है, और बहुत ही प्यारा पपी है। हेलो, इसको अंदर छोड़ देते हैं, इसको नहीं पसंद आ रहा हमारे साथ बात करना। तो अभी इधर आते हैं, ये भी पाजी एक मेल है, राइट? हां जी, ये भी मेल है। और ये कितने टाइम का होगा? ये हो गया जी 4 ईयर। और इसका नाम क्या? जैक। जैक ये काटता तो नहीं? नहीं नहीं काटता, एक और भी तो तुझे काटता है? नहीं काटता नहीं। जैकी आजा आजा आजा, ओह हाय, ओए देखो कितना प्यारा है जैकी। कितने साल का है ये? 4 ईयर। 4 ईयर्स, वाओ। ये देखो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, छुटकी छुटकी से, और एक ये डरते भी बहुत हैं, ये डरते हैं ऐसे देखिए, पर ये लड़ाई लेने को जरूर जाते हैं दूसरे डॉग्स के साथ। अपने आप इधर ये देखो, इसके बाद उसमें चला गया, हमर बड़ा खतरनाक है यार, बहुत तेज है हमर, ये देखो उसके उसके गेज में खुल गया भाई, ये बड़ा प्यारा बच्चा है ये, बहुत ही। ओके चलो अभी पाजी अब नेक्स्ट डॉग से मिलते हैं, इधर पाजी हम इनसे इंट्रोड्यूस कराइए, ये मेल है फीमेल है कौन है ये मुझे मिला? फीमेल है जी। ओके हाँ, ये फोर लाइन की है। और ये काटता है? नहीं बिल्कुल कोई नहीं काटता जी। आजा आजा आजा, ये इसके देखो भैया ने कटिंग कर रखी है, तो कटिंग करा के कुछ ऐसे लगते हैं, चिवावा से लगते हैं बेचारे, क्यूट सी ब्रीड है। ओ इधर आजा आजा बेटा, आओ आजा मेरे बेटा, आजा सुनो जी और थोड़ा सा कल्चर फॉर्म में ऑब्वियसली कोट का फर्क दिख रहा है आपको, साइज का फर्क दिख रहा है, और मेरी गोद में आपको अलग ही, जब आपने पहले वीडियो में देखा तो उस चीज में डिफरेंस तो ऑब्वियसली है ही। अच्छा वो साथ में उसकी सिस्टर है, ये इससे मिलवाता मैं आपको, ये कौन है? ये मेल है।
देख रहा हूँ सुल्तान जहाँ भी हम जा रहे हैं हमारे सुल्तान मिलता रहता है हमें. हेलो ओके सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको दो बहुत ही प्यारे प्यारे पप्पीज से मिलवाता हूँ. एक तो ये स्नोई की बहन है ठीक है और ये वाइट वाले की भी आपसे भी बात करेंगे. पहले मैं आपको स्नोई की बहन दिखाता हूँ. स्नोई ये दोनों सिस्टर है. अच्छा ये दोनों रियल सिस्टर है. ओके ये तो देख लो ये ऐसे कंफर्टेबल हो रही है. देख लो कितने ऐसे मस्ती में ऐसे लेट ही गई. ये मस्त है ना. ये इसको कहते हैं ये देखो इसको इसको जल्दबाजी हो रही है. चलो अच्छा जाओ आप जाओ आ लो. ये देख रहे हो ये ऐसे कंफर्टेबल ही हो गई. ऐसे देखो चारों पैर फैला लिए इसने हवा में. अभी मैं आपको मिलवाता हूँ भैया का जो इम्पोर्ट मेल है चाइना से इम्पोर्ट मेल है. क्या नाम है पाजी इसका? गुगू. ये बाहर से रखा है ना क्या नाम? बाहर से नाम है गुगू. ये भी ऑलमोस्ट 11 मंथ का है और वाइट कलर में है. मैं आपको भी इसको यहाँ पर बिठाता हूँ आपको दिखाता हूँ. हाँ देख रहे हो वाइट फर बॉल जैसा लग रहा है ये बहुत ही प्यारा. तो पाजी अभी तो ब्रीडिंग वगैरह आपने इसकी नहीं आगे बच्चे वगैरह नहीं लेने शुरू किए होंगे. थोड़े टाइम के बाद जब भी होंगे तो हम पाजी आप पाजी को पाजी आपके फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम पे हैं आप? हाँ जी फेसबुक पे हैं. किस नाम से? पैनिक कैनल. ओके और मनीष ठाकुर. ठीक है तो मैं इंस्टाग्राम में ना पाजी साथ दोनों पाजी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा. आप इनसे वहाँ पर जाके डिस्कस कर सकते हैं. देखो मैं नंबर इसलिए नहीं देता था कि लोग क्योंकि कुछ लोग टाइम पास भी करते हैं और मैं नहीं चाहता आपका और पाजी का किसी का भी टाइम वेस्ट हो. नहीं करना. बड़ा प्यारा बच्चा है यार ये देखना. मेरे को मन तो इस ब्रीड का भी कर गया. काश यार मेरे पास ना इन सारी जगह होती मैं सारी ब्रीड रख सकता. हाँ जी सो पाजी अभी अपने पास रिसेंटली भी पपीज भी हुए थे ना कुछ. अब नेक्स्ट टाइम जब भी पपीज होंगे तो मैं एक बार पपीज भी दिखाऊंगा बिल्कुल वीडियो के अंदर. पाजी आप इसका और भी बता दें कि आपके पास और भी लाइंस के डॉग्स हैं मतलब इनी की लाइनेज भी है ना जैसे चैंपियन वगैरह अलग अलग डिफरेंट कैनल से बड़े बड़े जो इंडिया की है ना अभी आ रहे हैं मतलब कोरोना करके नहीं आ रहे. एक दो फीमेल और एक मेल आ रहा है. वाह क्या बताओ जब वो आएगा फिर हम दोबारा से स्पेशल आएंगे वीडियो बनाने के लिए. सुपारी मुझे एक चीज और बताइए कि जो टॉय पॉम है और कल्चर पॉम है इनका देखो प्राइजेस में भी थोड़ा थोड़ा देखो वेरी अलग अलग करता है. तो टॉय पॉम की क्या एक रेंज रहती है जो मतलब लोग लेना चाहते हैं मतलब समझ रहे हो ना? ऑरेंज कलर में 40-50 हज़ार में पप मिल जाता है. उससे स्टार्टिंग हो जाती है 40-50 हज़ार से. उससे जितना मर्जी ले लो 1 लाख तक पप चला जाता है. जो व्हाइट है वो 70-80 हज़ार से स्टार्टिंग होती है इसकी. तो उसकी एंडिंग कोई नहीं. बाकी कल्चर पॉम जो है कल्चर पॉम में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. बट ये है कि कल्चर पॉम है एक ब्रीड ही अलग है. ठीक है इसी ब्रीड का एक पार्ट है बट वो अलग है उसका कुछ अलग सिस्टम है. सो ये देखो ये सारे के सारे मस्ती खोर बेड पे चढ़ गए. ये मस्ती खोर बच्चे. हाँ अच्छा नहीं आ जाओ. हाँ जी ये ब्रीड ना यार बड़ी प्यारी लगती है. देखना बेड पे कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से. ये एक और आ गया है. ये सारी सारों ने लीग ज्वाइन कर ली है. ये पाजी ये तो मस्त है. बैठ जाएगी ये तो बैठ गई. मुझे ये तो मस्त लगी है. देख रहे हो सारे के सारे. ओए ये सुसु तो नहीं कर रहा कोई बेड के ऊपर. ओए चलो अभी मैं फिलहाल ना एक बढ़िया सी इनके साथ एक रील बना रहा हूँ. सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. वो रील मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ. सो विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड. ये देखो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर बेड पे हमने छोड़े हुए थे. इनके साथ सबके साथ हमने रील्स बनाई थी. सो आई होप आप सभी को ये लोग अच्छे लगे होंगे. और थैंक यू सो मच पाजी. पाजी का थैंक यू एंड दूसरे पाजी का भी थैंक यू. पाजी आप सभी ने टाइम निकाला और बहुत ही प्यारा हमारा व्लॉग बना है. आई होप आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा. अगर व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. और पाजी का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है. आप उनसे वहाँ पर बात कर सकते हैं.